स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे आलू पटल पोस्ता की सब्जी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और यह एक बंगाली रेसिपी से हम आप लोगों के लिए हिंदी में लेकर आए। कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है, तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह बनाएंगे। आलू पटल पोस्ता बनाने के लिए हम यहाँ पे पटल लिए हैं। हम पटल को इस तरह से कट करके ले लिए हैं, आप देख पा रहे हैं। हम यहाँ पे आलू लिए हैं, आलूओं को हम थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग लिए हैं। अभी हम इसके अंदर नमक डालेंगे, तो आप दोनों ही आलू और पटल दोनों ही सब्जियों में नमक डाल दें। अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। अब आप इन दोनों सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो हम इसे मिक्स कर लिए हैं, आप देख पा रहे दोनों को। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हम कुछ मसाले लिए हैं, जैसे 3 सूखी लाल मिर्चें, 4 मोगोज, काजू, थोड़ा सा जीरा और पोस्ता। ये सब हमें जीरा हमें थोड़ा कम मात्रा में चाहिए, पोस्ता हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इसमें। तो आप देख रहे हैं उस हिसाब से आप ले लें। अभी हम यहाँ पे एक मिक्सी लिए हैं, इस मिक्सी में इन सभी मसालों को हम डाल देते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, पानी ऐड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, अभी हम इसे रख देते हैं। हम यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो कढ़ाई में हम रिफाइन ऑयल डाले हैं। आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, आप कोई भी खाने वाला तेल यूज़ कर लें। तो इसमें आप पहले आलुओं को डालकर अच्छी तरह से आलुओं को फ्राई कर लें। तो आप इसे गैस का फ्लेम हाई लो और इसे कवर करके आलुओं को अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा आलू फ्राई हो चुका है, आप इसे ढककर पकाएंगे तो हमारा आलू जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा और फ्राई भी हो जाएगा। अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे पटल को भी फ्राई कर लेंगे, तो अभी हम इसी में पटल को भी डाल देते हैं। और पटल को भी आप गैस का फ्लेम हाई लो और इसे कवर करके पटल को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो हम पटल को भी ढककर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं, आप देख पा रहे हैं। अभी हम पटल को भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमें इसी तेल के अंदर तेल हमारा गर्म ही है, अभी हम इसमें थोड़ा सा चीनी, जीरा, सूखी लाल मिर्चें और एक तेज़पत्ता ये डाल देंगे और इसे हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। आप चीनी ऑयल में डालेंगे तो उससे हमारा जो खाने का कलर है, मसालों का कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएगा। तो यहाँ पे हम दो प्याज को इस तरह से बारीक काट करके ले लिए थे, अब हम इसे भी डाल देंगे। तो आप प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भून लें। तो प्याज हमारा यहाँ पे भून चुका है, हम यहाँ पे अदरक और लहसुन को कूट करके ले लिए हैं। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। अब हम इसमें अदरक और लहसुन भी डाल देंगे, आप अदरक लहसुन बराबर मात्रा में ले सकते हैं। तो अदरक लहसुन को भी हल्का सा हम लोग भून लेते हैं। तो ये भी हमारा भुन चुका है। अब हम यहाँ पे हम लोगों ने जो मसाला तैयार करके रखा था, ये मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसे भी आप मिक्स कर ले। अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला 1 छोटा चम्मच और
और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दें। अभी हम इस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मसालों को पका लेंगे जब तक तेल अलग ना हो जाए मसालों से। तो यहाँ पे हमारा तेल अलग हो चुका है पूरा मसालों से, आप देख पा रहे हैं हम इसे पूरा पका लिए हैं। अभी हम इसके अंदर आलू पटल जिसको हम लोग फ्राई करके रखे थे ये भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लेते हैं। तो हम इसे मिक्स कर लिए हैं, तो आप अभी गैस का फ्लेम लो करके 5 मिनट तक आप ढक कर इन मसालों को पकने दें ताकि आलू और पटल में हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी डाल दें या फिर आप इसको उसी तरह से पका कर आप पूरा ड्राई भी बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ग्रेवी चाहिए इसलिए हम यहाँ पे पानी ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पानी डाल दिए हैं, आप कवर कर दें और 5 मिनट तक गैस का फ्लेम लो में इसे पकने दें। तो यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रेवी है, हम इसे और थोड़ा थिक करेंगे। तो हम इसे एक बार और ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए फिर से पकने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 मिनट हो चुका है और हमारी सब्जी भी बनकर अभी रेडी हो चुकी है। देख पा रहे हैं पूरा अच्छे से रेडी हो गया है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो हम ये सर्व कर दिए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा